Hello everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. Myself Khushbu Singh and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम ये लुक क्रिएट करने वाले हैं और ये लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टिकने वाला है, तो इसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लूप वाली ना केन स्कर्ट ली है। इस लुक को क्रिएट करने के लिए आपको डबल केन स्कर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज हम अपने लहंगे को काफ़ी ज़्यादा फुला हुआ लुक देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 8 लेयर वाली केन स्कर्ट यूज़ की है नीचे की तरफ, क्योंकि लूप हमारी काफ़ी ज़्यादा जितनी फैली हुई है वो उतनी ही रहेगी, इसीलिए हमें सबसे पहले उसको वियर करना है एंड देन विदाउट लूप वाली केन स्कर्ट हम इसके ऊपर पहनेंगे। ये जो विदाउट लूप वाली केन स्कर्ट है ना, ये 6 लेयर वाली है, तो इसीलिए 6 और नीचे वाली जो स्कर्ट है वो 2 लेयर की है, यानी 6 और 2 टोटल 8 हुए। तो 8 लेयर वाली हम यहाँ पे केन स्कर्ट यूज़ करेंगे। इस स्कर्ट को यूज़ करने के बाद आपको अंदर की तरफ पेटीकोट यूज़ करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से ये रिबन दी जाती है जिसको कि आप और भी ज़्यादा टाइट कर सकते हो अपने कमर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसको अपने ठीक राइट हैंड साइड के पास टाइटली बांध लूँगी। अब जो भी आप साड़ी वेयर करना चाहते हो, उस साड़ी को आपको किस तरीके से टक करना है आप यहाँ पे ध्यान से देखें। इससे पहले आपको नीड होगी एक चौड़ी इलास्टिक रबर बैंड की। ये रबर बैंड में भी आपकी लोकल मार्केट में ना मिले तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं। मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगवाया था और अपनी तरफ से मैंने इसको अपनी वेस्ट के हिसाब से कट करके इसकी कॉर्नर पर मैंने हुक लगा दिया है। अब इस हुक को हम अच्छे तरीके से लॉक कर देंगे एंड देन इसको हम अच्छी तरीके से घुमा लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब देखिए, जब भी हम साड़ी को टक करेंगे ना तो अपनी हुक को कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टोन वर्क वाली ये हेवी बॉर्डर वाली साड़ी ली है और इसको हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टक करते हुए चलेंगे। साड़ी अगर आपकी गाढ़ी हो जाएगी ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो आपकी केन स्कर्ट है वाइट कलर की वो फिर ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। मैं यहाँ पे चुंदरी साड़ी यहाँ पे ली हूँ और ये जॉर्जेट का है, तो जॉर्जेट का कपड़ा आप सभी को पता है किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, प्लीट्स की ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओवरलैपिंग करने से जो बॉर्डर है वो हमारी अच्छे से टक नहीं होगी, और क्योंकि ये पतली बॉर्डर है इसलिए इसको हम इस तरीके से ही टक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बॉर्डर है तो यहाँ पे कोई भी हम रिस्क नहीं ले सकते कि ये इतना टाइम तक चल सकता है, तो इसके लिए हम अपनी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। और फिर हम यूज़ करेंगे एक निडल की। नीडल में आप अपनी साड़ी के कलर की कोई सा भी धागा ले सकते हो और फिर इसको आप स्टिच कर लीजिए। केवल एक सिंगल स्टिच ही आपको डालना है, और क्योंकि यहाँ पे हम अपनी साड़ी को कट नहीं कर रहे हैं तो वापस से आप अपनी स्टिच को खोलकर इसको नॉर्मल साड़ी की तरह भी पहन सकते हो। अब देखिए, जब आप अपनी सामने वाली फ्रंट को अच्छे से सेट कर लेते हो तो हमें अपनी इलास्टिक रबर बैंड को घुमाना है और फिर इसके ऊपर अपनी साड़ियों की जो प्लीट्स है उसको हमें अच्छी तरीके से टक करना है। क्योंकि ऊपर की साइड पे यहाँ पे कोई बॉर्डर है नहीं तो हम चौड़ी चौड़ी प्लीट्स बनाकर इसको टक कर सकते हैं। तो सामने की तरफ जितने भी यहाँ पे पल्लू वाली पार्ट थी वो हमारी सेट हो गई है, तो इसीलिए पीछे की तरफ जितने भी साड़ी की एक्स्ट्रा लेंथ बच जाएगी वो काफ़ी लॉन्ग होगी, तो हम चौड़ी चौड़ी प्लीट भी अगर बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अब हम यहाँ पर इसको भी स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से ना इसमें मजबूती आ जाती है और आप अपने लहंगे को इसी तरीके से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के वियर कर सकते हो।
तो हम इसको तब तक इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक कि हम हुक की लास्ट एंड तक ना पहुंच जाएं। अब मान लीजिए आपकी साड़ी का जो लेंथ है वो आपकी यहाँ पे ना ब्लाउज़ पीस अटैच है, तो आप अपनी ब्लाउज़ पीस को हाइड करके यहाँ पे 2-3 प्लीट्स एक्स्ट्रा बनाकर भी इसको टक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरी साड़ी जो है वो सेम ही ब्लाउज़ पीस की रनिंग कपड़े में ही अटैच है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से टक करूँगी। और फिर हमने जो स्टीच देने हैं वो हम इसको लगा देंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं कि पहली तो आपको धागा जो है वो मशीन वाला यूज़ नहीं करना है। मशीन वाला धागा काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होता है, तो आप एंटी धागा जो आता है वो आप यूज़ कीजिए। और सुई के लिए बिल्कुल छोटी वाली पतली निडल यूज़ कीजिए, बिल्कुल पतली, जो सबसे 0 साइज़ आती है ना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे आपकी साड़ी में ज़्यादा होल्स नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने सिल्क का कपड़ा यूज़ नहीं किया है, जॉर्जेट यूज़ किया है, जिसमें कि पहले से ही जो उसके रेशे होते हैं वो उतने ज़्यादा बारीक नहीं होते, तो इसीलिए साड़ी की यहाँ पे डैमेज होने की कोई भी चिंता नहीं है। हाँ, अगर कांजीवरम की साड़ी होती तो हम कोई दूसरी ट्रिक यूज़ करते। तो अब जब यहाँ पे आपकी पूरी राउंड अच्छे से कंप्लीट हो जाती है और आप जब अपने साड़ी पे एक अच्छा सा स्टिच डाल लेते हो, तो देखिए मैंने ना यहाँ पे अपने हुक के ऊपर इसको कवर नहीं किया है। रीज़न ये है कि जब मान लीजिए कि आप इसको टेम्प्ररी के लिए इस तरीके से सिलाई कर रहे हो, ठीक है, और बाद में आपको कोई सा भी इवेंट इंजॉय करना है लहंगे की तरह, तो आप इसको खोल कर कहीं अच्छे जगह पर हैंग भी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ कॉर्नर से ये जो हमने लगाई थी हुक, इस हुक को रिमूव करके आप अपनी साड़ी को एज़ इट इज़ किसी भी हैंगल में हैंग कर सकते हो। अब जब भी आपको पहनना होगा तो आप अंदर की तरफ किन किन डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको ऊपर से हुक कर लीजिए। अब कॉर्नर पे आपकी जो यहाँ पे ओपन वाली पार्ट है, इसको क्लोज करने के लिए ना हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉर्नर्स हमारी सेफ्टी पिन से ही क्लोज हो जाएगी, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम निडल का ही इस्तेमाल करें। जहाँ कहीं भी होगी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे टोटल आपके 3 मैक्सिमम सेफ्टी पिन यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आप देख सकते हो आपका जो लहंगा बनेगा वो कितना ज़्यादा टिकाऊ रहेगा और कितना मजबूती से आप इसको कहीं भी किसी भी लॉन्ग इवेंट में वियर कर सकते हो। अब जो यहाँ पे मैं दूसरी साड़ी यूज़ कर रही हूँ, ये क्रेप की साड़ी है और ये काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। वैसे तो मैंने दोनों ही साड़ियाँ काफ़ी हल्की यूज़ की हैं, हालांकि बॉर्डर से आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी हेवी है, बट ऐसा है नहीं। बॉर्डर में केवल चुंदरी वाली डिज़ाइन है और अब बॉर्डर में प्लीट्स बनाने के लिए हमने साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर लिया है। इसमें हम अपनी राइट हैंड की उंगलियों को सेट करके और फिर इसमें प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। प्लीट्स मैं यहाँ पे जिस तरीके से बना रही हूँ, अगर आप भी यही स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको प्लीट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो ट्यूटोरियल है ना, वो केवल 2 साड़ियों को लहंगा स्टाइल में ड्रेप करने की नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें कि आपको प्लीट्स बनाना भी सिखाया जाएगा और प्लीट्स को किस तरीके से स्टिच करना है, किस तरीके से आपको पिन अप करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अब जब आपकी यहाँ पे प्लीट्स बन जाती है तो केवल एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नीचे वाली बॉर्डर आपकी राइट हैंड की तरफ होनी चाहिए और ऊपर वाला बॉर्डर आपका लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए। ये दोनों बॉर्डर एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं होती हैं, वरना यहीं पे आपकी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अब मैं ना यहाँ पे शुरू से ही अपनी साड़ी में साड़ी क्लिप का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पीछे की तरफ इसको सर पे पल्लू नहीं लेना है, इसको सीधा ही रखना है, तो इसीलिए मैंने क्लिप यूज़ किया है। अब पीछे की तरफ लेंथ देखते हुए हम इसको अपनी शोल्डर पे पिनअप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि प्लीट्स जो है हमारी या फिर जो बॉर्डर है हमारा, वो हमारे नेक पे कुछ ज़्यादा ही दूर तक चढ़ जाता है, तो
इसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बिना सेफ्टी पिन यूज़ किए भी एक तरीका है, जिसमें आपको अपनी प्लीट को उसी तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से आपने इसको प्लीट में अरेंज किया था। और अब यहाँ पे अगर आपके पास ज़िगज़ैग वाली कोई साड़ी पिन है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप साड़ी पहनती हैं ना तो आप अपने पास कलेक्शंस रखिए सेफ्टी पिन्स की, क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए फैशन और डिज़ाइन वाले पिन्स आ रहे हैं जो कि आपकी साड़ी को डैमेज किए बिना उसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकती हैं। अब हम पीछे की तरफ ना इसको टाइट करते हुए अपनी ब्लाउज़ की एंड पे एक पिन लगा देंगे, तो ये लेंथ जो है वो हमारी पक्की हो गई है कि ये लेंथ हमारी पीछे की तरफ जाएगी। और अब जितना भी एक्स्ट्रा हमारा ये बच गया है इसको हमें केवल और केवल एक चौड़े चौड़े प्लीट्स में अरेंज करना है। तो प्लीट्स बनाना तो हर कोई सीख गए होंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और प्लीट्स बनाने के बाद जब इसको टक करने की बारी आएगी ना तो मैं तो बोलूँगी कि आप किसी की हेल्प ले लो। हेल्प लेने से क्या होगा ना कि आपकी प्लीट जो रहेगी उसको अच्छे तरीके से फैलाव मिलेगा, क्योंकि पीछे हम देख नहीं पाते हैं तो हमें प्लीट्स पीछे की तरफ फैलाना है और इसको टक करना है। अब यहाँ पे या तो आप इसको इसी तरीके से रख सकते हो टेढ़ा, या फिर आप इस बॉर्डर को सीधा करके आप इसको जो हमारा फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल होता है आप इसको लुक दे सकती हैं। लहंगे पे हमेशा ये लुक ही अच्छा लगता है तो मैं हमेशा ये लुक ही क्रिएट करती हूँ। और अब आप कोई सी भी वेस्ट बेल्ट कैरी कर लो एंड देन यू आर रेडी टू गेट टू गो। तो थोड़ी सी ज्वेलरीज, थोड़ा सा मेकअप, चूड़ियाँ और एक अच्छे हेयर स्टाइल के साथ आप इस लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। तो अभी जो आने वाली करवा चौथ का जो फेस्टिवल है आप उसमें चाहो तो ये वाली लुक क्रिएट करके अपने आप को एक एलिगेंट और न्यू लुक दे सकते हो। सो आई होप आज की जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।